गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मॉनिंग नाट टू स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश बुक सो आवर फर्स्ट यूनिट इज विटी विटीमर्स विटी ह्यूमर विच मीन्स मजाकिया हाथ सो हम लोग आज यूनिट वन की फर्स्ट लेसन के बारे में पढ़ाई करेंगे जो है विटनेस इसका मतलब होता है गवाह

चुकाने के बदले वो जब उसे याद जाता था गोल्ड स्मिथ कि आपको पैसे देना है तो उसे फील कर देता था, था पैसे देने को वो मना कर देता था एक दिन गोल्ड स्मिथ जो है ठाकुर के घर पे गया जब ठाकुर अपने गेस्ट को इंटरटेन कर रहा था उनसे बातचीत कर रहा था तभी गोल्ड स्मिथ ने पैसे की डिमांड की ठाकुर जो है वो एम्बेरस्ड हो गया शर्मिंदगी फील किया और वो प्रॉमिस किया कि वो गोल्ड स्मिथ के घर आएगा उसके पैसे लेकर उसको देने लेकिन उसका कोई बट ही हैड नो इंटेंशन ऑफ रिपेइंग द लोन इन स्टेड ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑन द गोल्ड स्मिथ फॉर ह्यूमिलेटिंग हिम इन द फ्रंट ऑफ हिज गेस्ट सो वन इवनिंग ही वे लेट द गोल्ड स्मिथ ऑन डिजिटल स्ट्रेच ऑफ रोड लेकिन ठाकुर का कोई इंटेंसन नहीं था कि वो लोन को पे करेगा कोई मतलब नहीं था उसको पे करना ही नहीं था बदले में वो क्या किया उसने सोचा कि इसका बदला लिया जाएगा कि गोल्ड स्मिथ ने बेइज्जती करवाई है उनके गेस्ट के सामने उसकी सो so, एक दिन शाम में क्या हुआ वो गोल्ड स्मिथ को एक ऐसी जगह पे मिला ऐसा सुनसान जगह पे रोड पे मिला डिजेड जगह जहाँ पर कोई नहीं जाता हो उस जगह पे मिला नो वन कैन इंसल्ट मी एंड गेट अवे विथ इट ही सेट ड्रॉइंग आउट हिज स्वर्ड उसने आ, आपके ठाकुर ने ऐसा बोला कि किसी ने मेरा इंसल्ट नहीं किया और जिससे मैंने छोड़ दिया हो ऐसा वो तलवार निकालते हुए कहा द गोल्ड इज मी थॉट फास्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू वुड डू समथिंग लाइक दिस ही सेड आई हैव लेफ्ट अ लेटर विद माई वाइफ इफ आई डूड नॉट रिटर्न होम बाई नाइट फॉल सी विल टेक द लेटर टू राना द लेटर डे द बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन अस एंड द स्टेप आई टूक टू रिकवर द मनी इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द फियर दैट यू माई टू बी मी सम हार तो गोल्ड स्मिथ फटाक से सोचा मैं दिमाग लगाया और वो बोला कि मुझे ऐसा एक्सपेक्ट था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे इसलिए मैंने एक लेटर अपने घर पर अपनी वाइफ के पास मैं छोड़ कर आया हूँ जिसमें अगर मैं शाम तक शाम मतलब रात होने से पहले अगर घर रिटर्न नहीं हुआ तो मेरी वाइफ उस लेटर को लेकर तक चली जाएगी वहाँ लेकर जाएगी तो उसमें लेटर मेरी डिटेल पूरा लिखा हुआ है कि हम दोनों के बीच में बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुआ है और जो जो स्टेप मैंने लिया है तुमसे मनी रिकवर करने में पैसे को रिकवर करने में सब लिखा हुआ उसमें और उसमें मेरा वो डर भी दिखाया गया है जो तुम मुझे हम पहुंचाने वाले हो ये सब भी सारा उसमें मेंशन किया हुआ है उस लेटर मेंशन किया हुआ है ठाकुर लोअर हिज वर्ड ही न्यू दैट द गोल्ड स्मिथ बी ब्लफिंग बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेक अ चांस राना वॉज नोन टू बी हार्स ऑन डिफोल्टर्स एंड मर्डरस ठाकुर जो है वो अपना तलवार नीचे कर लिया उसके बाद वो जानता था कि गोल्ड स्मिथ जो है कोई ट्रिक लगा रहा है ब्लफिंग कर रहा है बट वो कोई चांस लेना नहीं चाहता था और राणा जो है डिफॉल्टर्स को मर्डर्स को के बारे में जानता था वो जान जाता उसके बारे में आई विल स्पेयर यू वर्थलेस लाइफ ही सेट फाइनली बट आई विल चॉप यूर नोज दैट आई विल टीच यू अलिशन यू विल नेवर फॉगेट तो ठाकुर ने कहा कि मैं तुम्हारे वर्थलेस लाइफ को माफ़ करता हूँ छोड़ देता हूँ फाइनली वो ऐसा बोला उसके बाद लेकिन बोला कि लेकिन मैं तुम्हारे नाक को कट कर दूंगा चॉप कर दूंगा ताकि तुम्हें एक लेसन याद मिले ए, मिले एक लेसन सीखो तुम कि कभी ऐसा काम नहीं करना है ठाकुर के साथ इफ आई राइट ऑफ यूर लोन विल यू फॉगिंग मी आज द गोलमिथ गोल्ड स्मिथ फिर गोल्ड स्मिथ जो सुनार था वो बोला कि अगर मैं लिख दूँ कि तुम्हारा लोन सब माफ हो गया है तो क्या तुम तो मुझे माफ़ कर दोगे आई माइट से ठाकुर गार्डेडली बट यू मस्ट गिव मी अ रिसीट टू से राइट आई हैव पेड यू इन फुल आई डोंट ट्रस्ट यू आई विल मेक आउट अ रिसीट टाइट अवे सेट द गोल्ड स्मिथ हैज इटली ओपनिंग हिज बंडल ऑफ बुक्स बट वी विल रिक्वायर अ विटनेस नो विटनेस राइट ठाकुर जस्ट गिव मी अ रिसीट टू से डाइट आई हैव पे डू इन फुल फिर ठाकुर बो ठाकुर बोला कि ठीक है सुशान से कि तुम कर दो बट हमको रिसिप्ट चाहिए कि तुम ये लिखो उस रिसिप्ट में कि मैंने तुम्हें फुल में पे किया है और मुझे तुम पर विश्वास नहीं है ऐसा ठाकुर ने कहा गोल्ड स्मिथ से तो गोल्ड स्मिथ बोला ठीक है हम अभी ही सारा बना देते हैं आपका रिसिप्ट गोल्ड स्मिथ अपना सारा वो पेपर बंडल वंडल निकाला बुक निकाला फिर बोला कि uh, हमें रिसिप्ट uh, बनाने uh, के लिए विटनेस की रिक्वायरमेंट होगी तो चिलाया। वो ठाकुर चिल्लाया नो कोई विटनेस नहीं मुझे अभी रिसीट दो उसमें लिखो कि मैं तो मैंने फुल पे कर दिया है तुम्हें फिर द रिसट हैज़ नो वैल्यू अनलेस देयर इज अ विटनेस सेट द गोल्ड स्मिथ वाई डोंट वी मेक दैट ओल्ड बर्नियन ट्री अ विटनेस ठाकुर रिजन दैट देयर कुड बी

उसको हम लोग विटनेस बना देते हैं ठाकुर बोला कि इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अगर अगर हम बनियान ट्री को विटनेस बनाएं, तो हमें कोई नुकसान तो पहुंचाने वाला है नहीं वो तो कोई कंडीशन या फिर क्या क्यों कर किस कंडीशन में पैसा दिया गया किस कंडीशन में रिसीट कटा गया क्या रीज़न है ऐसे क्योंकि वो तो बीच में सड़क में बीच में सुनसान जगह में पैसा ले रहा था उससे अगर तो ये तो पेड़ पूछेगा नहीं कोई आदमी रहेगा तो पूछेगा ना कि भाई ऐसे कंडीशन में आप रोड पे क्यों पैसा ले रहे हैं या जो भी है आपका ऐसा रिसिप्ट क्यों बना रहे हैं पैसा क्यों नहीं दिए पेड़ तो ये सब पूछेगा नहीं तो वो रेडी हो गया कि भाई ठीक है कोई परिस्थिति कोई कंडीशन नहीं कोई उजागर तो करने वाला है नहीं पेड़ है ये तो चलो ठीक है रिसिप्ट बनाओ उसको बना देगा वहाँ और फिर वो एग्री हो गया और अंडर बनिया ट्रे के नीचे खड़ा हो गया फिर एंड द गोल्ड स्मिथ रोट आउट द रिस एंड गेव इट टू द अदर मैन गोल्ड स्मिथ जो है लिख दिया और रिसिप्ट दे दी दूसरे आदमी को ठाकुर पॉकेटेड इट एंड वेंट अवे वेरी प्लेस्ड विथ हिमसेल्फ बट द वेरी नेक्स्ट डे ही रिसिप्ट सुम फ्रॉम राना फिर ठाकुर जो है उसको अपने पॉकेट में डाल दिया और बहुत ही खुशी खुशी वहाँ से चला गया अपने साथ लेकर उसको लेकिन फिर क्या हुआ अगले ही दिन उसको राना के तरफ से बुलावा आया वैन ही वेन टू रानाज प्लेस ही फाउंड द गोल्ड स्मिथ देयर जब वो राना के जगह पे पहुंचा उसे घर पहुंचा देखा कि गोल्ड स्मिथ वहाँ से ऑलरेडी पहुंचा हुआ है पहले से वो वहाँ पे गोल्ड स्मिथ को पाया फिर क्या हुआ डिड यू बोरो मनी फ्रॉम दिस मैन आज राना आई डिड श्रे ठाकुर वाई है ठाकुर एंट्री पेंटली टेकिंग आउट द रिसीट फ्रॉम हिज पॉकेट हेंडिट ओवर टू राना फिर क्या हुआ तो जैसे वो पहुँचा तो राना पूछा कि तुम इससे मनी उधार में लिए थे राना से राना uh, पूछा उसे ठाकुर से uh, तो ठाकुर बोला कि हाँ लिया था तो वाई तो कि तुम इसे क्यों नहीं पे किए फिर से देना चाहिए तुमको पैसे तो ठाकुर बोला कि मैंने तो दिया पूरा घमंड से गर्व से बोला कि हाँ मैंने दिया उसके बाद वो क्या किया अपने पॉकेट से निकाल कर राना को दिया हैंड ओवर किया उसको सो योर विटनेस वॉज अ बनियन ट्री सेड राना लुकिंग एट द रिसीट, यस सेठ ठाकुर देर वॉज नो बडी एल्स हेयर तो राजा बोला कि राना बोला कि तुम्हारा विटनेस बन एंट्री था uh, रिसीट को देखकर पढ़कर बोला तो ठाकुर बोला कि हाँ वहाँ पर कोई आदमी नहीं था इसलिए हम लोग बनी एंट्री को ही uh, विटनेस बनाए थे सो यू एडमिट ए कॉस्टिंग ही मीन ए डिजटेज पोट नो नो सेठ ठाकुर एनी थिंग आई विल जस्ट हैपन टू मीट हिम देअर एनी एनी वेट इज एनले सेट राना इट डजेंट कैरी दिस मैं सिग्नेचर ओनली द विटनेस तो फिर बोला कि तो तुमने इसे सुनसान जगह में पकड़ा था पकड़ मिला था तो वो पकड़ा था तो बोला ठाकुर बोला कि नो 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 ऐसा कुछ नहीं वो डरता हुआ बोला पैनिक होते हुए थोड़ा डरते हुए आई विल जस्ट हैपन टू मीट हिम देयर देअर मैंने जस्ट ऐसा ही मिल गया था उससे वहाँ पे तो आ, तो राजा और राना बोला कि कोई बात नहीं रेसीट पे तो लेकिन सिर्फ किसी आदमी का सिग्नेचर है ही नहीं इसमें तो सिर्फ विटनेस का सिग्नेचर है फोर्ट कैश ठाकुर ठाकुर जो है वो चकित हो गया फिर पेपर लिया राना के हैंड से टेकिंग द पेपर फ्रॉम रानाज हैंड ही स्टेयर एट इट एंड टर्न पेल इंस्टीट्यूट ऑफ पुटिंग हिज सिग्नेचर एट द बॉटम द गोल्ड स्मिथ हेड स्क्रीपर्ल्ड बनियन ट्री फिर जब वो जैसे ही वो पेपर लिया वो पीला पड़ गया देखकर उसको हैरान हो गया चकित हो गया क्यों क्योंकि उस इंस्टीट्यूट ऑफ पुटिंग हिज सिग्नेचर वो अपना जो गोल्ड स्मिथ था वो अपना सिग्नेचर देने की जगह क्या किया था घसीटते हुए अक्षरों में लिख दिया था बनियन ट्री वो अपना सिग्नेचर ना करके बनियन ट्री का सिग्नेचर कर दिया था उसमें तो इसका मतलब ये था कि बनियन ट्री को आप पैसा दिए हो नहीं ना पैसा तो गोल्ड स्मिथ दिया था तो गोल्ड स्मिथ को इसमें विटनेस बनना इसमें सिग्नेचर होना था एक विटनेस का सिग्नेचर होना चाहिए था तो क्या कोई पेड़ विटनेस बन सकता है वही है विटनेस विटनेस को होना चाहिए एक चाहता चाहता भूलता हुआ इंसान होना चाहिए इन्होंने विटनेस किसे बनाया था बन एंट्री को बन एंट्री भी इनका नहीं दिया और जिसने पैसा लिया उसने भी अपना सिग्नेचर नहीं किया था तो कहानी ख़त्म हुई हमारे यूनिट वन स्टूडेंट